नमस्कार दोस्तों, आल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि न्यू अपडेट आपके पबजी लाइट के अंदर देखने को मिलने वाला है दोस्तों, और वो भी इन गेम अपडेट। फुल अपडेट कभी नहीं आएगा, बिल्कुल भूल जाओ, आने ही वाला नहीं है, ठीक है। इन गेम अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है जो कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उस अपडेट के अंदर आप क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं गूगल के अंदर सर्च कर रहा था कि भाई क्या क्या चीजें नई देखने को मिल जाती है, क्योंकि तुम्हें पता है बहुत सारी चीजें जो हम लोगों को भी नहीं पता होता वो सारी चीजें हमें गूगल में देखने को मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। तो गूगल के अंदर मैं ऐसे ही एक पोस्ट पढ़ रहा था तो यहाँ पे मुझे ये वाली पोस्ट देखने को मिलती है, और इसमें भैया काफी सारी चीजों के बारे में बताया गया कि जो हमारे PUBG Lite के व्यूवर्स हैं वो ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि PUBG Lite के जो लाइट वर्जन है उसके अंदर ये चीजें अपडेट में देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से कितनी चीजें ऐसी हैं जो सही है, आपको देखने को मिल सकती है, कितनी ऐसी चीजें जो नहीं देखने को मिलेंगी ये फेक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने लिखा है सबसे पहले सेकंड एनिवर्सरी अपडेट। तो दोस्तों सेकंड एनिवर्सरी अपडेट का टाइम जो है ओवर हो चुका है, तो ये चीज तो गलत है, ठीक है, क्योंकि भाई सेकंड एनिवर्सरी का अगर अपडेट आना होता तो आ चुका होता, क्योंकि सेकंड एनिवर्सरी की डेट ओवर हो चुकी है। तो PUBG Lite में अब सेकंड एनिवर्सरी का कोई भी अपडेट नहीं आएगा। तो इस तरह की जो भी एक्सपेक्ट किए बैठे हो गलत है, छोड़ दो। जो गूगल के अंदर पोस्ट लिखे ये भी गलत है, ठीक। सेकंड चीज इन्होंने लिखा है सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन केक। भैया जब एनिवर्सरी अपडेट नहीं आएगा तो केक पेक वो सब भूल जाओ, बेकार है, ठीक है। जब वही नहीं आएगा तो ये कहां से आएगा, ठीक है, तो ये भी बेकार हो गया। तीसरा, ये आइसलैंड के बारे में बोला गया है, ठीक है, विंटर लॉबी आइसलैंड जो अभी हमारा चल रहा है, तो भाई वो तो तब आएगा ना जब ये वाला जाएगा दोस्तों, और ये जब गया ही नहीं है तो वो आएगा कहां से, ठीक है। और इन्होंने मिनार चेंजेस के बारे में बताया, जो अभी का विंटर लॉबी जो नहीं चल रहा है, वो विंटर वाली जो नई लोकेशन आई है हमारे मैप के अंदर, उसको चेंज करके उसमें और कुछ नई चीजें ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसको देने के लिए उनको पूरा बड़ा वाला अपडेट देना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से बड़ा वाला अपडेट तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज भी ये समझ लो 80% गलत ही है, 20% ही सही समझ सकते हो, बाकी 80% ये गलत ही है ये जो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। बाकी 20% सोच सकते हो कि आएगा, क्योंकि ये चीज तब सही होती या तो वो लोग रेगुलर अपडेट दे रहे होते, या फिर वो लोग ये जो आपका नॉर्मल विंटर चल रहा है इसको हटा देते, फिर नया कुछ अपडेट के बारे में बोलते तो शायद इसको हम सही मान सकते थे, लेकिन अभी के लिए गलत, ठीक। चेंज लॉबी थीम, हाँ ये सही है, ये जो आपका इन गेम अपडेट आएगा हो सकता है इसमें आपकी जो लॉबी है उसको चेंज कर दिया जाए पूरी तरीके से, तो ये सही है, ठीक है, क्योंकि लॉबी चेंज हो सकती है इन गेम अपडेट से, तो ये चीज तो सही है, ठीक है। सिक्योरिटी अपडेट, हाँ ये भी सही है, सिक्योरिटी के लिए अपडेट दे सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यू आउटफिट एंड रिलीज एनिवर्सरी गन्स, हाँ तो ये सही है भाई। तो एनिवर्सरी गन का तो शायद गन पिछली बार आ चुकी थी, काफी सारे आउटफिट वगैरह आए थे, तो शायद ये उसी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा, क्योंकि गन स्किन, गन और कपड़ों की स्किन और जितनी भी आउटफिट है ये सब तो चेंज करते रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो इन गेम अपडेट जो दिया जाता है वो इन्हीं चीजों के लिए दिया जाता है कि आपकी गन की जो अपग्रेडेबल गने हैं वो दी जा सके, आपकी जो स्किन है वो सारी चीजें दी जा सके, तो ये चीज सही है, ये दिए जा सकते हैं। अदर अपडेट में आपके ग्लिच वगैरह, छोटे छोटे बग जो है जो गेम को क्रैश कर रहे हैं वो सारी चीजें फिक्स की जा सकती है। बाकी गेम से आप बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं कि कोई नई लोकेशन डाल दी जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब बड़ा वाला अपडेट आएगा दोस्तों, जो मतलब नॉर्मल आता है प्ले स्टोर के अंदर, इस तरह का अगर कोई अपडेट आएगा तब ये सारी चीजें चेंज की जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर इन गेम अपडेट आता है तो उसमें केवल सिक्योरिटी पैच और छोटे मोटे बग वगैरह, थीम वगैरह यही सब चेंज किए जा सकते हैं दोस्तों। तो ये पोस्ट में जितनी चीजें दी गई हैं इसमें से केवल 2 या 3 चीजें मुझे लग रहा है कि शायद सही हो सकती हैं, बाकी जितनी चीजें वो सारी की सारी गलत है, क्योंकि मैं आपको बता ही दिया हूं इनका रीजन भी कि क्यों गलत है, क्योंकि भाई इनका ओवर टाइम हो चुका है तो आ ही नहीं सकता है। उसके बाद एक चीज और है जो है जॉम्बी मोड, तो जॉम्बी मोड की भी डेट और टाइम जो है वो निकल चुकी है, अब जॉम्बी मोड नहीं आएगा। अगर आना होता तो इसी मंथ में आ जाता, लेकिन नहीं आया, इसका मतलब जॉम्बी मोड भी
नहीं आएगा। मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे आपको बताया था कि अब ग्लोबल वाला अपडेट नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो नॉर्मल अपडेट होता है, फुल अपडेट होता है, वो नहीं आएगा, इन गेम अपडेट ही आएगा। तो इन गेम अपडेट इसीलिए आ रहा है, वो सिक्योरिटी की वजह से अपने आउटफिट वगैरह चेंज करने के लिए दे रहे हैं। बाकी जब तक वो अपडेट नहीं देंगे तब तक कोई भी नया मैप ना ही चेंज होगा, ना ही कुछ नया उसमें ऐड किया जा सकता है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और पबजी लाइट से रिलेटेड नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबा देना, जिससे नए वीडियो आपके सबसे पहले मिल जाए। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा।